हिस्ट्री ऑफ महाराजा अरुट, महाराजा अरुट का इतिहास। सूर्यवंशी क्षत्रिय अरुट महाराज, वंश और जन्म। अरुट राय, जिन्हें बाद में अरुट महाराज के नाम से जाना गया, का जन्म प्राचीन भारत के एक गौरवशाली वंश में हुआ था। उनके पूर्वज राजा लव थे, जो प्रभु श्री राम के पुत्र थे और लाहौर नगर के संस्थापक थे। इस वंश में राजा कालराय भी हुए और उनके दो पुत्र थे, सोढ़ी राय और अरुट राय। चरित्र और धर्मनिष्ठा। अरुट राय का स्वभाव शांत और ध्यानी था। वे भक्ति भाव में लीन रहते थे और उन्होंने कभी भी द्वेष या अन्याय नहीं किया। उनकी इस प्रकृति से उनके पिता राजा कालराय चिंतित थे, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका पुत्र राजनीतिक चालाकियों में निपुण हो। राज्याभिषेक की दुविधा। राजा कालराय के सामने एक बड़ी समस्या थी कि उत्तराधिकारी के रूप में किसे चुना जाए। अगर वे अरुट राय को चुनते तो सोढ़ी राय निश्चित ही आक्रमण कर राज्य छीन लेते। इसलिए मंत्रियों के साथ विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि अरुट राय को संपत्ति और सोढ़ी राय को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाए। नए राज्य की स्थापना। राजा कालराय ने अपनी संपत्ति अरुट राय को सौंप दी और वे अपने सैनिकों के साथ सिंध की ओर चल पड़े। यात्रा के दौरान उन्हें परशुराम जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिन्होंने उन्हें सिंध में एक नया राज्य बसाने की प्रेरणा दी। अरुट राय ने सिंधु नदी के किनारे अरोड़कोट नामक एक भव्य राज्य की स्थापना की। अरुट वंश का उदय। अरुड़कोट की स्थापना के साथ ही अरुट राय के वंशजों को अरोड़ा अरुड़वंशी खत्री कहा जाने लगा। सिकंदर को भी महाराजा अरुट के वंशजों से लड़ना पड़ा था। यह वंश पंजाब के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।